हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम टू माय चैनल क्लेमम विद स्नेहा। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ होली लुक शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो अभी इसका मॉइस्चराइज़र ली हूँ, मैं ये मॉइस्चराइज़र हमेशा से यूज़ करते आई हूँ, मतलब बीच में मैंने छोड़ दिया था, बट मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस, उसके बाद मैं यहाँ पे डे क्रीम ले रही हूँ, ये है लैक्मी एब्सोल्यूट का डे क्रीम। तो गाइस, मैं यहाँ पे फाउंडेशन एंड कॉन्सीलर मैं यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं करने वाली हूँ, नॉर्मल सा मैं डे क्रीम लेने वाली हूँ। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे फाउंडेशन या कॉन्सीलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। सो गाइस, फिर मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का फेस पाउडर ले रही हूँ। गाइस, आप कोई सा भी फेस पाउडर ले सकते हो, बट मुझे ये फेस पाउडर अच्छा लगता है तो मैं इसे ज़्यादा करके यूज़ करती हूँ। गाइज, आप लोगों को मालूम होगा कि मैं अभी गांव में हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए होली लुक लाई हूँ। सो गाइज, ये जो है आईब्रो पेंसिल, वो नॉर्मल से आईब्रो पेंसिल है, लिक्विड वाला नहीं है। मैं ज़्यादा आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं जब भी करती हूँ तो मैं यही करती हूँ ज़्यादा करके। सो गाइज, मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को ठीक कर रही हूँ, जो भी ऊपर नीचे जो छोटे छोटे जो बाल होते हैं, जो उसको शेप में ला रही हूँ। सो गाइज, मैं यहाँ पे अभी आई शेडो लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैं छोटे छोटे से जो टेप होते हैं, मैं अपने दोनों तरफ लगा ली हूँ, आँखों के दोनों तरफ लगा ली हूँ गाइज। एंड इससे क्या होता है कि आपके जो आई शेडो होते हैं ना, बहुत अच्छे से लग जाते हैं एंड एक शेप बन जाता है आपका आई शेडो का। तो सो गाइज, मैं यहाँ पे ना येलो कलर का कलर ली हूँ। मेरी जो साड़ी है वो येलो कलर की है एंड येलो एंड रेड का मैं कॉम्बिनेशन लगाऊंगी गाइज, क्योंकि ये जो होली लुक है गाइस, इसलिए थोड़ी सी कलरफुल रहेगी तो अच्छा लगेगा। सो मैंने येलो कलर का आई शेडो लगा लिया है। देन मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का, ब्राउन नहीं बोलेंगे, रेड कलर का मैंने आउटर कॉर्नर पे थोड़ी थोड़ी सी रेड कलर से मैंने लगा लिया है। देन यहाँ पे मैं ग्लिटर थोड़ी थोड़ी लगा रही हूँ, थोड़ी सी हमारी जो आँख है ना वो हाईलाइट करें, थोड़ी सी ग्लिटर टाइप के लगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ गाइस, थोड़ी सी लाइट में ही लगा रही हूँ, तो पूरा डार्क नहीं लगा रही हूँ, आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे। एंड गाइस, मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ। आपको छोटी मतलब थोड़ी सी पतली आईलाइनर अगर अच्छी लगती है तो आप वैसा भी लगा सकते हो, बट मुझे थोड़ी सी मोटी एंड लंबी सी आईलाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, मैं यहाँ पे मस्करा ले रही हूँ, मैं यहाँ पे फेक आईलैशेस नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल सा मस्करा लगा रही हूँ। यहाँ मैं रेड कलर का लिपस्टिक लगा रही हूँ, मैट लिपस्टिक है गाइज। एंड मैं आप लोगों को तो बार बार बता चुकी हूँ कि मुझे मैट लिपस्टिक के बाद ऊपर से लिक्विड लिपस्टिक अच्छा लगता है, सो मैं लगाती हूँ, तो आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे। देन गाइज, लिपस्टिक लगाने के बाद ना आपके जो लिप्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं, एकदम शेप में आ जाते हैं जिस टाइप के आप करोगे। थोड़ी सी जब आपकी लिप्स पतली होगी तो आप मोटी भी कर सकते हो, एंड मोटी है तो उसे थोड़ी पतली भी कर सकते हो। देन गाइज, मैं यहाँ पर रोज़ लगा ली हूँ एंड मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, मैं आप कैसा लग रहा है आप लोगों को ये मेरा मेकअप। एंड गाइस, मैं यहाँ पे इयर रिंग पहनने वाली हूँ, सो आप लोग देखो। देन गाइस, मैं यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ। बिना सिंदूर का तो आई नो कि कोई सा भी मेकअप मतलब बेकार है एंड कोई सा भी मेकअप अधूरा है। सो गाइस, मैं यहाँ पे छोटी सी बिंदी लगा ली हूँ एंड मैंने चूड़ियाँ यहाँ पे पहन ली है। एंड कैसा लग रहा है गाइज ये मेरा मेकअप लुक, होली मेकअप लुक। तो आई होप आप लोगों के मेरी वीडियोस अच्छे लगे, तो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइज, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है गाइज। तीन गाइस, मैं थोड़ी थोड़ी सी अभी अपने गालों पे लगाऊंगी। ऐसा कौन करता है जो अपने गालों पे कुछ ही अभी लगाता है, मैं तो करती हूँ गाइस। एंड आई नो कि आप लोगों में से बहुत कोई लोग ऐसे होंगे जो अपने हाथों से अपने आप को पहले अभी लगाते होंगे। सो गाइस, मैंने अभी लगा के अपना सारा मेकअप लुक जो होता है कम्प्लीट कर लिया है एंड आप देख सकते हो। तो आओ आप लोगों को भी मैं लगा दूँ अभी। सो गाइस, चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक प्यारा सा वीडियो में। अगेन गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें गाइज। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस गाइज, हैप्पी होली गाइज, एंड एडवांस में मैं आप लोगों को हैप्पी होली विश कर रही हूँ। सो चलो मिलते हैं, बाय बाय।